कोरोना वायरस का कहर अभी थमा नहीं है। हर रोज कोरोना वायरस के नए केस सामने आ रहे हैं। इसी बीच कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चेतावनी भी कई विशेषज्ञों की तरफ से लगातार दी जा रही है। वहीं अब सर्वे में सामने आया है कि अगस्त सितंबर में 28% भारतीयों की यात्रा करने की योजना है। इसके साथ ही कोविड की तीसरी लहर का खतरा बढ़ना तय है। लोकल सर्कल्स की ओर से किए गए सर्वे सामने आए हैं कि भारत में अगस्त सितंबर में लोग यात्रा की योजना बना रहे हैं, जिसके कारण कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा और बढ़ सकता है। सर्वे के मुताबिक अगस्त सितंबर में कई त्योहारों के साथ अगले दो महीनों में यात्रा करने वालों में 54% लोग दोस्तों और परिवार से मिलने की योजना बना रहे हैं। और वहीं 12 अप्रैल के लोकल सर्कल में अपने सर्वे में कोविड-19 की दूसरी लहर के खतरे के प्रति आगाह करते हुए सरकारों को यात्रा प्रतिबंध लगाने का सुझाव भी दिया गया था। उस दौरान 25% लोग ग्रीष्मकालीन यात्रा की योजना में थे, लेकिन तत्काल द्वितीय लहर जोखिम के कारण सरकारों ने यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई लोगों ने अपने ट्रैवल प्लान को रद्द किया था। अब वही देश में 28% लोग अगस्त सितंबर के बीच में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। 5% लोगों ने यात्रा की बुकिंग भी कर ली है। इस सर्वे में 311 जिलों के 18,000 लोगों ने भाग लिया है, जिसमें कि 68% पुरुष और शेष महिलाएं भी रही हैं। सर्वे के मुताबिक कोविड-19 की दूसरी भीषण लहर के दौरान कई लोगों को गर्मियों के लिए अपनी यात्रा योजना रद्द करनी पड़ी थी, जिसके बाद लोग अब यात्रा की योजना बना रहे हैं। दिल्ली में अब अनलॉक की नए गाइडलाइंस के बाद भी एक कोच में सिर्फ 50 यात्री सफर कर सकेंगे। वहां पर यात्रियों का क्या कहना है, पहले वो भी आपको सुनवा देते हैं। बेनिफिशियल के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, बेनिफिशियल तो रहेगा। ट्रैवलिंग वगैरह में काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी उस वजह से, लेकिन अगर ये कि पब्लिक के ऊपर है, जितने ज़्यादा वो प्रिकॉशन लेंगे उस हिसाब से, मतलब वो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। वो तो हर चीज़ का एक मिसयूज़ होता है और बेनिफिट भी रहता है, उस हिसाब से देखेंगे तो हाँ है। मिसयूज़ है कि पब्लिक क्या है कि अगर वो मास्क वगैरह यूज़ ना करे, अगर हैंड सैनिटाइजिंग वगैरह, मतलब जो नॉर्मली जो चल रहा है अभी जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, तो मिस यूज उस हिसाब से हो सकता है। पहले जैसे कि मतलब 50% आ रहे थे बंदे, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लाइन में लगना पड़ रहा था, बाकी सैनिटाइज करना पड़ रहा था 5 मिनट, मास्क की प्रॉब्लम थी थोड़ी। अब जब से लॉकडाउन कल से मतलब खुल जाएगा कंफर्म, मेट्रो चालू हो जाएगी, तो थोड़ा दिक्कत कम होगी पब्लिक को। लॉकडाउन तो खुल चुका है, लॉकडाउन के लिए नहीं, जो 100% ऑपरेशनल होगा उसका क्या? मैम वो तो देखते हैं क्या होता है, बाकी जो अपनी मेट्रो है, मेट्रो की सुविधा थोड़ी सही हो जाएगी, क्योंकि पहले कम मेट्रो यूज हो रही थी, अब प्रॉपर होगी, सारी होंगी, तो भीड़ भी कम होगी, इस हिसाब से जो पब्लिक है उनको थोड़ा सही रहे। बेसिकली आई थिंक द मेट्रो इज अ लाइफ लाइन फॉर दिल्ली, सो फ्रॉम द लास्ट सिंस कोविड टाइम्स द पीपल आर रियली इन अ टेरिबल पोजिशन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम्यूट फ्रॉम इन दिल्ली, and as it is a life line for and a heart line for Delhi, so if it is going to be functional fully, then all the passenger will be more, you know, they will be they have to spend less from their pockets because the fuel prices are very high right now, so it will be very beneficial to all because the commute in Delhi and NCR is basically from the metro lines only, so it will be more beneficial for me also because I'm working for I'm a national social media in charge for BJP, so it will be very good for us, so we can also go to our offices and for that and IT sector. इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA के समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लगातार आपसे कोरोना को लेकर चर्चा करते हैं, कोरोना की बढ़ती लहर को लेकर चर्चा करते हैं, जो स्प्रेडर है, बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन आज यात्रा को लेकर है, क्योंकि 28% लोग अगस्त से सितंबर के बीच में यात्रा कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा स्प्रेडर हो सकता है। ये एक चिंता का विषय सामने आया है। एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए काजल, एज ए पॉलिसी मैंने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की भी और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी पॉलिसी चल रही है कि वो थोड़ा सा जैसे कि लॉकडाउन धीरे धीरे जो खोल रहे थे वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके तहत ये कहना कि लोगों को डिस्करेज किया जाए कि वो ना घूमें, तो शायद ये बहुत मुश्किल है। जहां तक आपने 28% लोगों का कहा है कि जो ट्रेवल कर सकते हैं, तो दैट मीन्स कि ये आपका शायद सर्वे है जो लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो घूमना चाहते हैं। उसमें से कितने घूमते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये अवश्य कहेंगे कि इफ वी कैनॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम हॉलीडेइंग और गोइंग अराउंड, तो उनको ये अवश्य समझाया जाए कि जो कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो करके चले।
देखिए पूरी ये बात सच है कि 1.5 साल से यानी कि लास्ट मार्च ऑनवर्ड से 1.5 साल से लोग थोड़े घुटे हुए हैं और पिछले कुछ टाइम में स्ट्रेस इतनी रही है। और जो कहने को लॉकडाउन बहुत आसान होता है कि आप अपने घर में बैठिए, लेकिन बच्चों को घर में रखना, बड़ों को घर में रखना, यूथ को घर में रखना, कहना कि आप कुछ मत कीजिए, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट बिकम्स ए लिटल डिफिकल्ट। तो अगर सरकार ने ये पॉलिसी अनाउंस की है कि लोग बाहर ठीक ठीक घूम सकते हैं, तो उसका जवाब एक ही है, अगर वो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करके अपना घूमना घामना करेंगे तो शायद नुकसान बहुत कम होगा। देखो इस स्टेज पे ये कहना कि यस तीसरी वेव की तैयारी शायद डर शायद सितंबर के आसपास है, तो टोटल बंद घर में बैठ जाओ, तो लोग मैंने देखा है कि लोग इस बात को इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी सेकंड बेस्ट चॉइस एक ही बचती है कि वो घर से निकलें तो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, हॉलीडे के लिए जाएं तो अपना मास्क जरूर पहनें, थोड़ा डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें, थोड़ा सा जात क्राउडिंग में एकदम शामिल ना हो, और अगर ये कुछ चीज़ें वो अपने हाथों को सैनिटाइज वगैरह करें और हाथ धोएं, अगर ये कुछ बातें भी अच्छे से मान ली जाएंगी तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। हम कोरोना से कोरोना को वार्ड ऑफ भी कर सकते हैं, और जो लोगों की तमन्ना है कि हम कब तक घर बैठे रहें, कि हम जिंदगी जिंदगी तो गुजर रही है, हम एंजॉय क्यों ना करें, हम टाइम क्यों ना काटें, तो दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। लेकिन आज भी जो एब्सोल्यूट एडवाइस है वो आज भी वही है डॉक्टर चावला। इस समय लोगों के मन में कई सवाल हैं, और सवाल ये है कि ये जो 28% का मैंने आपको बताया, इसमें 5% लोग अब तक अपनी बुकिंग भी कर चुके हैं। अगर इन यात्राओं को रद्द कर दिया जाए तो क्या तीसरी लहर जो है वो नहीं आएगी, या फिर लेट हो सकती है, या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए काजल, जो 5% आप लोग कह रही हैं, इसमें सारे टूरिस्ट नहीं होते, बिकॉज इंडिया में इंटरस्टेट माइग्रेशन बहुत चलता रहता है, हजारों लाखों करोड़ों लोग जो बड़े शहरों में आते हैं कुछ करने के लिए, पूरे परिवार लेके उनको वापस जाना होता है, कुछ फेस्टिवल पे जाना होता है, तो इसमें से कुछ जो ट्रेवल्स हैं वो मेरे विचार में एसेंशियल या इनिविटेबल ट्रेवल है, उनको जाना ही होता है। ऑल मे नॉट बी जस्ट टूरिस्ट ओनली। तो आपका पूछना कि क्या इसको रद्द कर दिया जाए, तो ये तो इट हैज़ टू बी ए गवर्नमेंट पॉलिसी। इनफैक्ट आई हैव सीन कि पिछले कुछ दिनों से जो ये पॉलिसी है वो ओपननेस की चल रही है कि खोला जाए, तो उस हिसाब से शायद रद्द करने का प्रोग्राम दिल्ली एन सी दिल्ली में भी कल और जो सिनेमा से मल्टीप्लेक्स से जिम से वो अच्छे से खोल दिए गए हैं। तो एक ना ओपननेस की पॉलिसी चल रही है, ओपन एज फास्ट एज यू कैन। तो उसमें तो एक ही प्रैक्टिकल सुझाव मेरा आपके दर्शकों के लिए है कि इवन इफ उनको खुला मिल भी रहा है, इवन इफ उनको ट्रेवल मिल भी रहा है, तो एज फार एज पॉसिबल सैनिटाइजेशन, फेस मास्क और मेंटेनिंग दो गज की। ठीक है, हमारे साथ इस समय आरबी उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार इस समय जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। और उपाध्याय जी, आज का जो डिस्कशन है वो यात्रा को लेकर है, क्योंकि लोग टिकट बुकिंग करा चुके हैं अपनी, अगस्त से सितंबर के बीच में लगभग 28% लोग यात्रा करने वाले हैं, इससे एक चिंता है, आप क्या कहते हैं? चिंता स्वाभाविक है, जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं आपने देखा होगा, झरने के नीचे इतना भीड़ है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, तो ये ठीक नहीं। यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का जो कारण है, जो मजबूरी है, वो यही है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर। और देखिए, जहां तक बाहर जाने का प्रश्न है, तो इतना लंबा लॉकडाउन हो गया, इतने लंबे लॉकडाउन में घर में पड़े पड़े लोग काम धंधा कुछ था नहीं, कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि भी थोड़ा घर से बाहर निकले, घूम कर आए। लेकिन जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, उस भीड़ से कहीं ना कहीं बहुत डर लगता है कि भाई अगर कोविड संक्रमण फैला तो भयावह रूप ले सकता है। और यही हम लोगों की कमियां हैं कि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कि सेकेंड वेव में जो त्रासदी हमें झेलनी पड़ी, तो सबको वही डर है कि भाई उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और देखिए, भारत जैसा देश कोई बहुत ज्यादा हमारे पास संसाधन नहीं है, सीमित संसाधनों में किस तरीके से इस वायरस से लड़ना है,
वो हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं है कि भी सरकारों की जिम्मेदारी है, हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका हम पालन करें, तो उम्मीद की जाती है कि थर्ड वेव उतनी भयानक नहीं हो। टीकाकरण है उतनी तेजी से होना चाहिए, उतनी तेजी से नहीं हो पाया, आज भी कोई लक्ष्य नहीं है कि भी इतने समय में हम टीकाकरण पूरा कर लेंगे। विश्व बिरादरी में आप देखेंगे तो थर्ड वेव वहां पर कहर बरसा रही है जी, जी, जी। और हमारे यहाँ अभी भी वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है और टीकाकरण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता अगर है, विकल्प अगर है, तो सिर्फ यही है कि हम सब लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जी बिल्कुल, विकल्प यही है। डॉक्टर चावला, मौजूदा हालातों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्योंकि दिल्ली की अगर बात कर ले तो 24 घंटे में यहाँ 66 नए केस आए हैं और मौतें शून्य हैं, अभी के मौजूदा हालातों को देखते हुए डॉक्टर चावला आपको क्या लग रहा है तीसरी लहर को लेकर कब तक आ सकती है या फिर नहीं आएगी या फिर हम उसके आने से पहले उसको कंट्रोल कर लेंगे, अभी जो हालात है उसको देखते हुए? देखिए काजल, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द थर्ड वेव का होना, हम उसको इनवाइट ना करें, हम कुछ भी ऐसा ना करें। ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी, ये सच्चाई में दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, थर्ड वेव इनेविटेबल नहीं है, थर्ड वेव आना अनिवार्य नहीं है। हम अगर सब हिंदुस्तानी भाई मिल जाएं कि हमें सारी प्रिकॉशंस और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, तो मैं दावे और यकीन से कहता हूं थर्ड वेव को हम वार्ड ऑफ कर सकते हैं। हमारी वैक्सीनेशन ठीक ठीक चल रही है, हालांकि थोड़ी स्लो है, अभी तक हम तकरीबन 43 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं और ये हर रोज 35-40 लाख ताजे वैक्सीन हो जाते हैं। तो एक तो वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए, एक क्योंकि जो टारगेट है वो हमारा टारगेट है हमें 31 दिसंबर तक 94 करोड़ एडल्ट्स को करना है। बच्चों का वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुआ है जो कि सितंबर के अंत में या सितंबर के बिगनिंग में या स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी उनके ट्रायल्स 3 किस्म के वैक्सीन के ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। उसको देखते हुए ये सवाल पूछना क्या बुरा होगा हमारे साथ, तो ये सवाल गलत है। उससे बेहतर जवाब एक ही है कि हम बुरा होने नहीं देंगे, हम सब प्रिकॉशंस लेंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री दिखाती है कि सेकेंड वेव जो स्पेनिश फ्लू 1910 में आया था उसमें भी सेकेंड वेव बहुत स्ट्रांग थी और थर्ड वेव थोड़ी माइल्ड थी, लेकिन माइल्ड तब होती है जब हम उसको माइल्ड होने देंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे जैसा कि आज से 20-25 दिन पहले सोशल मीडिया में हिल स्टेशन पे देखा गया था कि लोग बागों ने परवाह ही नहीं की, उन्होंने सोचा कि आज एंजॉय कर लो कल होना हो जी। तो ये एटीट्यूड ये पोस्ट हो चाहे वो बस स्टॉप हो, कहीं भी हो चाहे वो तो कहीं भी वो जाते हैं, तो थोड़ी प्रिकॉशन जो कि ली जा सकती है वो ली जाए। ये मत सोचा जाए कि देश की आबादी ज्यादा है, मेरे हिसाब से आबादी जितनी भी हो अगर लोग अगर प्रिकॉशंस लेना चाहें और कॉन्शियस रहें तो वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उससे हमारे दोनों काम हल हो जाएंगे। लोगों का जो घर बैठ के लॉकडाउन से जो दिमाग पर था डिप्रेशन में जा रहा था कि कब तक बैठे रहे, उसको भी शांति मिल जाएगी और जो कोरोना को वार्ड ऑफ करना है वो भी हो जाएगा। क्योंकि ये सच है जो लहर हमने सेकंड देखी है, जो कहर देखा है, जो मौतें देखी हैं, वो हिंदुस्तान का कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि ऐसा किसी के साथ भी दोबारा हो। जी बिल्कुल, कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा दोबारा हो। आरबी उपाध्याय जी, इस समय जो मौजूदा हालात हैं आपको क्या लग रहा है कि हमारे देश में सरकारों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकारें हो, क्या क्योंकि दावे पहले भी किए गए थे कि हम तीसरी लहर से पहले तैयारियां कर लेंगे, उससे पहले कहा गया था कि हम दूसरी लहर से पहले सारी तैयारियां कर लेंगे, इस बार लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी, उस बार लोगों को दिक्कतें नहीं होंगे, क्या लग रहा है कि वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं या फिर चल रही हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ जो वादे हैं वो हवा हवाई हैं, सिर्फ इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं हमारे देश में? एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी, छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरबी उपाध्याय जी, सवाल मेरा आपसे था, क्या लग रहा है, कैसे देख पा रहे हैं आप सरकारों की तैयारियां चल रही हैं? आश्वासन देती हैं, पूरी कोशिश करती हैं तैयारी की, लेकिन बात वही आके रुक जाती है कि देखिए, एक दिन में अस्पताल नहीं बन सकते, एक दिन में डॉक्टर नहीं बढ़ाए जा सकते। हमारे पास जो संसाधन है बहुत सीमित है, समय लगता है। अभी तक हमने हेल्थ पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए पॉपुलेशन के अकॉर्ड, वो नहीं है, इसे बिल्कुल झुटलाया नहीं जा सकता। और देखिए, जैसा आप कह रहे थे कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, देखिए ये कोई श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन नकारा नहीं जा सकता थर्ड वेव को। उसके मद्देनजर जो तैयारियां हैं वो सरकार कहती जरूर है, लेकिन अगर मैं प्रश्न करूं कि भाई कितने हॉस्पिटल बने हैं, तो हॉस्पिटल कोई एक दो दिन में या दस दिन में या महीने दो महीने में नहीं बनते हैं, इसमें समय लगता है। और देखिए, फर्स्ट वेव के बाद भी सरकारों ने कहा था कि हम सेकंड वेव के लिए तैयार। और एक चीज और माननी पड़ेगी, ये भगवान की कृपा समझिए कि फर्स्ट वेव हमारे यहाँ नहीं आया था कोरोना। फर्स्ट वेव जब दुनिया में कहर बरसा रही थी, हमारे यहाँ शुरुआत हुई थी। वही सेकेंड वेव का रहा कि सेकेंड वेव जब विश्व के अनेक देशों में अपने चरम पर थी, तब हमारे यहाँ, यानी हमें काफी समय मिलता है तैयारी के लिए। फर्स्ट वेव में भी तैयारी का समय मिला, सेकेंड वेव में भी तैयारी के लिए पूरा समय मिला, और अब थर्ड वेव आप देखेंगे विश्व पटल पर अनेक देशों में बहुत जबरदस्त कहर बरसा रही है, और भारत में अभी इतना समय था कि हम लोग तैयारी कर सकते थे। और तैयारी देखिए, तैयारी किस चीज की तैयारी, सरकार कहती कि हम पूरी तरह तैयार हैं, उस तरह की त्रासदी नहीं होगी। तो देखिए, जो टीकाकरण है जिस स्पीड से होना चाहिए, और तो कोई हथियार है नहीं इस वायरस से लड़ने का, एक ही हथियार था टीका, और वो टीकाकरण हम कितनी तेजी से कर पाए हैं, कितना कर पाए हैं, वो किसी से छुपा नहीं, और ये इसी से दिखता है कि सरकारें कितनी तैयार हैं। देखिए, इलेक्शन की बात है, देखिए सरकारें इलेक्शन से ही बनती हैं और बिगड़ती हर सरकार की, हर राजनीतिक लोगों कहीं ना कहीं प्रायोरिटी इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में जीतेंगे तो सत्ता में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे तो सत्ता की मलाई चखेंगे और कुछ करने का मौका भी मिलेगा, इसलिए उनकी प्रायोरिटी बिल्कुल इलेक्शन होता है। लेकिन ये जनता को सोचना है, ये जनता को देखना है कि इलेक्शन उनके लिए जरूरी है, हमारे लिए अपनी सेहत जरूरी है। हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे, परिवार ठीक रहेगा, देश समृद्ध होगा तो आगे बढ़ेंगी। इलेक्शन में मैंने देखा बंगाल में किस तरीके से रैलियां हो रही थी, और वहां जो भी पॉलिटिकल पर्सन थे वो किस तरीके से जनता को इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें ये नहीं था कि कोरोना काल है, कोरोना काल में हम इसको अवॉइड करें। अच्छा होता एक मिसाल पेश करते कि भाई हम कोई रैली नहीं करेंगे, कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रेडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जी। या फिर डिजिटल माध्यम से रखेंगे, रैलियां नहीं होंगी, तो लगता कि हाँ पॉलिटिकल पर्सन, जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, जो देश के कर्णधार हैं, वो भी चिंतित हैं। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया। सब लोग जो भी पॉलिटिकल पर्सन थे, ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे थे, वोट लेने की कोशिश कर रहे थे। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ वोट था, इलेक्शन था, उनका टारगेट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जनता जनता को सोचना हो। जब सेकंड वेव आई तो कौन कितना मददगार दिख रहा था, वो किसी से छुपा नहीं है। जनता भगवान के भरोसे थी, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकारें अपने लेवल पर प्रयास कर रही थी जी। लेकिन सरकारें सक्षम नहीं थी, संसाधन उतने थे नहीं कि हम जनता को कहीं कुछ राहत दे पाए, और उसी का परिणाम था कि लोग बेड के लिए परेशान थे, कहीं से बेड मिल जाए। मैंने देखा बहुत सारे हमारे सर्किल के लोग थे, सिर्फ एक ही पर तो वैसे लेके शाम तक इतने फोन आते थे, सर कहीं से बेड का इंतजाम करवा दें, कोई कह रहा है ऑक्सीजन का इंतजाम करवा दें। तो ये क्या था, अगर तैयारियां पूरी थी तो फिर बेड क्यों नहीं थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और तो और दवाएं भी काला बाजार, दवाएं बाजार से गायब हो जाती हैं, तो व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। ये कह देने बस से नहीं होगा जी, जी, जी। कि भी हम तैयारियां पूरी हैं जी, और जी। नहीं होगी। सरकारें आश्वासन देती हैं, सरकारें नारे लगाती हैं,
गरीबी हटाओ का नारा भी लगा था, गरीबी तो नहीं हटी। तो उसी तरीके से लेना चाहिए जनता को, उसी तरीके से सोचना चाहिए कि भाई राजनीतिक लोग हैं ये तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हमें अपने बारे में खुद सोचना है, खुद हमें सुरक्षित रहना है। तो जो कोविड प्रोटोकॉल है, जी जी जी, जो साइंटिस्ट बता रहे हैं, उन नियमों का पालन हमें करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ये सोचना होगा हमें, चाहे हम सब्जी लेने जा रहे हैं, चाहे हम हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, चाहे घूमने जा रहे हैं, बिल्कुल सोचना होगा जी, इसका ध्यान हमको खुद अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल। और तभी तीसरी लहर से बचा जा सकता है, तब भी बचा जा सकता है। डॉक्टर चावला, विदेशों की बात हो रही थी, कई देश ऐसे हैं जहां पर तीसरी लहर अभी तक आ चुकी है और पूरी तरीके से फैल चुकी है, लोग उसकी चपेट में है। हम अपने देश के लोगों को बचा सकें, हमारे देश के लोग बच सके, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या पहले जो एहतियात बरता गया था, हालांकि पहले तो ये हुआ था कि विदेशों से कोरोना फैल गया था, उसके बाद फ्लाइटों को रद्द किया गया था, ये स्थिति हो गई थी, लेकिन अभी ये है कि विदेशों में वो परिस्थितियां चल रही हैं, भारत के लोगों को अगर बचाना है तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? चल रही थी और हम फरवरी तक सोच रहे थे आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन फरवरी तक लास्ट वीक तक आना शुरू भी हो गई थी, मार्च में बढ़ना भी शुरू हुई थी, लेकिन शायद हमारा हिंदुस्तान पॉलिटिकल और रिलीजियस गैदरिंग और सोशल गैदरिंग से बिजी था, उसका खामियाजा पूरे हिंदुस्तान ने बर्दाश्त किया है। अब जहाँ तक बात है कि थर्ड वेव आज ही डिस्पाइट अमेरिका में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, यूरोप में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, डबल वैक्सीनेशन, उसके बावजूद भी वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए मेरे विचार में हमारी सरकार को भी और सरकार से ज़्यादा लोगों को प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है। प्रिकॉशन होता क्या है, हमारे हिंदुस्तान में हम जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं, हम नहीं कहेंगे नहीं चल रही हैं, लेकिन एक होता है कि एक युद्ध स्तर पे या एक मोड होता है कि आर वी इन द मोड ऑफ थर्ड वेव प्रिपेयरनेस, तो शायद कितना है हम खुद देख सकते हैं। लेकिन लोगों का बाहर निकलना, लोगों का सोशल कोरोना प्रिपेयर बिहेवियर फॉलो ना करना, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है लोगों की झिझक बिगड़ और झिझक खत्म हो रही है, लोग बात समझते हैं कि जो अब पिछले महीने नहीं कर पाए, दो महीने पहले नहीं कर पाए, वो आज कर ले। तो इस चीज को देखते हुए थोड़ा सा डर लगता है कि क्या होगा, तो ये शायद भगवान भरोसे एक चीज ज्यादा जारी है। तो हमें जो एज ए पार्ट ऑफ प्रिपेयरनेस करना है, वो सरकार को, हॉस्पिटल्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तैयारी करनी है। इंडियन मेडिकल के डॉक्टर हमेशा तैयार रहते हैं, वो अपना काम अलग कर रहे हैं, और उसके ऊपर एक चीज होती है पब्लिक को आपकी चैनल के थ्रू ये जानकारी दी जाती है कि अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी बीमारी आपको ना हो वो आपके ऊपर है, उसके लिए जो प्रिकॉशंस लेंगे वो प्रिकॉशंस भी आप ही लेंगे। अगर आप ये प्रिकॉशंस लेंगे तो आप बीमारी से बाकायदा बच सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं कि सर्वे जरूर आएगी, लेकिन जैसे हालात पैदा हो रहे हैं तो अभी कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि वो कितना आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत माइल्ड आएगी। लेकिन मेरी आम लोगों से यही आग्रह है कि अभी ये मत सोचिए कि कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का थोड़ा बहुत प्रकोप अभी शायद कुछ महीने या एक साल और चल सकता है, उसके बाद शायद कोरोना डाई आउट कर जाएगा, लेकिन जब तक ये डाई आउट नहीं करता तब तक हमें प्रिकॉशंस फॉलो की जाएं, हम बुरे होने का इंतजार मत करें, ताकि बुरा ना हो इसकी पूरी तैयारी करें। ये हमारे देश के हर नागरिक का कोशिश होनी चाहिए और सरकार भी जो पब्लिक मीडिया इस बात को एनकरेज करे वो कर रही है, और प्लस वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, यही आज की तारीख में हमारा बदलाव। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, ये बात भी सही है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर पब्लिक है, सरकारें हैं जिम्मेदार, ठीक है इंतजामों की कमी है, लेकिन पब्लिक जिम्मेदार इसलिए क्योंकि हम तस्वीरें वो लगातार देख रहे हैं। दिल्ली की कई मार्केट ऐसी खुलती हैं जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, फिर मजबूरन प्रशासन को उन बाजारों को बंद करना पड़ता है क्योंकि हद से ज्यादा भीड़ हो जाती है। दो दिन के लिए बाजार खुलते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, चार दिन के लिए बाजार खुलते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, फिर उनको बंद करना पड़ता है। तो यहाँ कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदार पब्लिक खुद है। लास्ट रिएक्शन आरबी उपाध्याय जी। पहले ही कह चुके हैं कि देखिए जिम्मेदारी हम सबकी है, सिर्फ सरकारों के ऊपर, सिर्फ सरकारों के भरोसे हम अपना परिवार, अपने
ये भी यथार्थ है कि हम लोग ये भूल जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि भी कोरोना खत्म हो गया। देखिए हमें इस वायरस के साथ अभी जीना सीखना होगा। जिस तरीके से वायरस रिएक्ट कर रहा है, जिस तरीके से रूप बदल रहा है, नए नए जो वेरिएंट हैं वो सामने आ रहे हैं, तो वहां हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एहतियात बरतें और कोविड गाइडलाइन का पालन बहुत और बहुत बहुत जरूरी है। विकल्प नहीं है हमारे पास। और हम ये जो सोच लेते हैं कोरोना खत्म हो गया, ये हमारी भूल है और उसी का नुकसान हमें उठाना पड़ता है। जी, जी, अगर हम लोग ये मान के चलें कि इस वायरस के साथ जीना है, इस वायरस के साथ लड़ना है, और कैसे लड़ना है, उसके लड़ने के लिए हमारे पास जो हथियार है वो बहुत ज्यादा नहीं है। यानी दवाएं नहीं है कि भी कोई पर्टिकुलर दवा हो कि भी ये दवा हम ले लेंगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा या कोरोना नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चावला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को सतर्क रहना होगा क्योंकि हम भी बार बार यही अपील कर रहे हैं आपसे, तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आप सतर्क रहेंगे तो तीसरी लहर नहीं आएगी, ये भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए ए एन बी न्यूज़। नमस्कार।